कर्नाटक चुनाव की तारीख जिस तरह से नजदीक आ रही है, उसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों के महारथी भी अब मैदान में कूद चुके हैं और अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल हम जिन महारथियों की बात कर रहे हैं उनमें से एक हैं पीएम मोदी भी। आपको बता दें, पीएम मोदी कर्नाटक के जिले रायचूर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा की। ये चुनाव कर्नाटका का भविष्य क्या होगा, कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, उसका फैसला करने के लिए, यहां के किसानों का भाग्य कौन बदलेगा, यहां माताओं बहनों को सुरक्षा कौन देगा, यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कौन करेगा, इसका निर्णय करने के लिए ये चुनाव है भाइयों बहनों। और इसलिए ये चुनाव एक प्रकार से कांग्रेस के कारनामों के खिलाफ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं के बीच एक स्पर्धा का चुनाव है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान कहा कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता के भविष्य के लिए चुनाव है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।